नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल हेल्थ टिप्स हिंदी में। शेयर करें, क्योंकि हम आपके सामने कुछ ऐसे वीडियोस, कुछ ऐसी जानकारी लेकर आते हैं जो आपके लिए जानना बेहद इम्पोर्टेंट और आपके लिए लाभदायक साबित होते हैं। तो चलिए दोस्तों, आइए आज के वीडियो में देखते हैं क्या है खास और किस बारे में हम बात कर रहे हैं। आज हम भटकटैया के फायदों के बारे में बात करेंगे। भटकटैया एक छोटा कांटेदार पौधा होता है, जिसके पत्तों पर भी कांटे लगे हुए होते हैं। इसके फूल नीले रंग के होते हैं और कच्चे फल हरे रंग के होते हैं, लेकिन पकने के बाद पीले रंग के यह हो जाते हैं। बीज छोटे और चिकने होते हैं। भटकटैया के जड़ औषधि के रूप में काम आती है। यह है तीखी, पाचन शक्ति बढ़ाने वाली और सूजन को कम करने वाली होती है, और पेट के रोगों को दूर करने में यह हमारी मदद करती है। यह सूखे स्थानों पर पाई जाती है। यह पेट के अलावा कई प्रकार के स्वास्थ्य समस्याओं में उपयोगी होती है। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम भटकटैया के फायदों के बारे में बात करेंगे। चलिए जानते हैं कि यह हमारे लिए किस प्रकार से लाभकारी है। यह पथरी में काफी लाभदायक होता है। इसके लिए भटकटैया के 14 से 28 मिलीग्राम पांचान सुबह शाम शहद के साथ सेवन करने से पथरी और पेशाब में जलन की समस्या दूर हो जाती है। यह दमा रोग में भी काफी लाभदायक होता है। इसके लिए भटकटैया के जड़ का काढ़ा 20 ml की मात्रा में या फिर इसके पत्तों का रस 2 से 5 ml की मात्रा में सुबह शाम सेवन करने से श्वास रोग और दमा रोग में लाभ होता है। यह गठिया के रोग में भी काफी लाभदायक होता है। इसके लिए 25 से 50 ml भटकटैया के पत्तों का रस इसमें काली मिर्च मिला लें और उसके साथ इसका सेवन करें। इससे गठिया रोग में काफी लाभ होता है। यह खांसी में भी काफी लाभदायक होता है। इसके लिए भटकटैया के जड़ के साथ गुड़ का काढ़ा बनाकर पीने से खांसी में लाभकारी साबित होता है। यदि काढ़े में काला नमक और शहद मिला लिया जाए, फिर इसके कार्य क्षमता अवधि बढ़ जाती है। यह दर्द और सूजन को भी कम करने का काम करता है। दर्द दूर करने के लिए 20 से 40 ml भटकटैया के जड़ का काढ़ा या पत्ते का रस 5 ml की मात्रा में सुबह शाम सेवन करने से शरीर का दर्द कम होता है, साथ ही अर्थराइटिस भी होने वाले दर्द में लाभकारी होता है। इसके अलावा यह सर दर्द में भी काफी लाभदायक माना जाता है। सिर दर्द होने पर भटकटैया के फलों का रस माथे पर लगाना चाहिए, इससे सर का दर्द ठीक हो जाता है। तो दोस्तों, ये थे भटकटैया से होने वाले कुछ फायदे। आज की वीडियो में बस इतना ही। लौटेंगे एक नए वीडियो के साथ। मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर करना ना भूले और मेरी इस वीडियो को लाइक आप अवश्य करें। दोस्तों, हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। सभी वीडियोस को देखने के लिए बेल आइकन को जरूर दबाएं, ताकि हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके।